বদরউদ্দিনের মতো প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনের পর অমিত শাহর মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, অসমে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনের 47টি আসনে ভোট হয়েছে, এর মধ্যে 37টি আসন পাবে বিজেপি। একই সাথে অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন নিয়েও আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলায় প্রথম পর্যায়ে 30টি আসনে নির্বাচন হয়েছে, এর মধ্যে 26টি আসনই পাবে বিজেপি। দিল্লিতে বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে বসে সাংবাদিকদের একথা জানান অমিত শাহ। তিনি বলেন, দলের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই তথ্য তিনি লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন নিয়ে তিনি ভোটারদের সাধুবাদ জানান। বলেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটের এই চিত্র দেখেই বোঝা যায় যে বিজেপিকে কত প্রয়োজন মানুষের। ये दोनों राज्य आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। मित्रों, दोनों राज्यों के कार्यकर्ता हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ आसाम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ आसाम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। और आसाम के अंदर इसके साथ साथ बाढ़ मुक्त आसाम के भारतीय जनता पार्टी के वादे को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, तरुंग टीवी।